फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे आप सब। आज मैं फ्रूट प्लांट ग्रो करने वाली हूँ जिनका नाम है स्ट्रॉबेरी। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। पिछले साल भी मैंने ग्रो किया था स्ट्रॉबेरी को, तो इस बार भी मैं ग्रो कर रही हूँ। देखिए, ये मेरा प्लांट है और ये पॉली बैग में लगे हुए हैं। इस पॉली बैग को मैं हटा दूँगी और अपने पॉट में इन्हें ग्रो करूँगी। और फ्रेंड्स, छोटे से भी पॉट में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत बड़ी पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, मैंने ये पॉट लिया है, ये प्लास्टिक पॉट है। तो इस पॉट में आप देखिए बहुत सारे ये होल बने हुए हैं, इन सभी को मैं गिट्टी से ढक दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी कैसी लेनी है? तो वेल्डन मिट्टी लेनी है आपको, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी लेनी है। तो देखिए, ये मेरा गार्डन मिट्टी है, इसमें एक प्लांट पहले से ही लगे हुए थे। तो अब मैं फिर से मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मैंने आधे हिस्से में वर्मी कंपोस्ट लिया है और आधे हिस्से में काउडंग कंपोस्ट, जो गोबर की खाद होते हैं। तो दोनों को आधे आधे हिस्से ले लिया है और उसी मिट्टी में मैं फिर से मिला रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्लांट को रीच सॉइल पसंद है, तो रीच सॉइल में तैयार कर रही हूँ। आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए और दो हिस्से खाद लीजिए। एक हिस्सा आप वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा आप काउडंग कंपोस्ट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी तैयार कर लिया है। अब ये जो पॉट में होल आप देख रहे हैं, इन होल में मैं गिट्टी रखूँगी। जितने भी होल हैं सभी में मैं गिट्टी रखूँगी। तो देखिए, मैंने गिट्टी रख दिया है। अब मैं थोड़े से पॉट में मिट्टी डाल लूँगी। स्ट्रॉबेरी प्लांट को आप सितंबर से लेके अक्टूबर तक लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ने लगते हैं तो ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस प्लांट को आप इस मंथ में ग्रो कर लीजिए, तो दो तीन महीने तक आपको ये फल देते रहेंगे। और फ्रेंड्स, सन इनको कितना चाहिए ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इन्हें फुल सन में रखिए, पूरे दिन की धूप में इस प्लांट को रखिए। अभी सर्दियों में तो पूरे दिन की धूप में ही आपको इस प्लांट को रखना होगा। सुबह से लेकर शाम तक इन्हें धूप लगनी चाहिए, तभी ये फ्रूटिंग करेंगे। इनमें जो फल आएंगे फ्रेंड्स, जब आप इन्हें धूप में रखेंगे तभी फल आएंगे। तो देखिए, जितने भी हार्ड मिट्टी थे उन सभी को मैंने हटा दिया है और खूब अच्छे से ये रूट बॉल बने हुए हैं। देखिए, बहुत सारे इनमें जड़े हैं, तो इन्हीं को मैं ग्रो करूँगी। और सभी जितने भी हार्ड मिट्टी थे सभी को मैंने हटा दिया है। तो ये जो जड़े हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को सिर्फ मैं मिट्टी के अंदर करूँगी। और वाटरिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, इन्हें पानी तो पसंद है, पर जो गमलों में पानी जमते हैं वो नहीं पसंद है। अगर गमलों में पानी जमेंगे तो ये प्लांट आपके गल जाएंगे। तो आप ड्रेनेज होल सिस्टम ठीक ठाक रखें, जैसे कि मैंने दिखाया है आपको, जो पॉट में होल होते हैं वो ठीक ठाक होनी चाहिए। और मिट्टी भी बिल्कुल सॉफ्ट लेनी है। तो देखिए, मैंने इस प्लांट को लगा दिया है। अब मैं वाटरिंग करके पानी देके इन्हें शेडी प्लेस में रखूँगी, छांव वाली जगह पे रखूँगी दो तीन दिन के लिए। दो तीन दिन के बाद मैं फुल सन में इस प्लांट को रखूँगी, पूरे दिन की धूप में। तो देखिए, मैंने इस प्लांट को लगा दिया है, अब मैं छांव वाली जगह पे रखूँगी। तो देखिए, यहाँ पे इंडोर प्लांट सभी लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे गार्डन में बिल्कुल धूप नहीं आते हैं, सिर्फ रोशनी ही रहते हैं। तो यहाँ इंडोर प्लांट सभी लगे हुए हैं, तो इसी जगह पे मैं ये प्लांट वाटरिंग करके रख दूँगी। और फर्टिलाइज़र अभी मैं नहीं करूँगी, इन्हें खाद में एक महीने तक नहीं दूँगी। ऑलरेडी मैंने रीच सॉइल में इस प्लांट को लगाया है, तो एक महीने तक बिल्कुल खाद नहीं दूँगी। एक महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट या फिर मैं गोबर की खाद दूँगी। और इंसेक्ट के लिए, कीड़ों के लिए मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ हर 15-20 दिन पे।
और नीम ऑयल कैसे तैयार करना है, किस तरह से स्प्रे करनी है अपने प्लांट्स को, उस पर मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।